जब आपको गहरी समझ हो जाए कि एक अदृश्य शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि में सक्रिय है और सब कुछ वो कर रही है, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सिर्फ इतनी बात समझ लेने से आपका पूरा काम नहीं होगा, ये 24 घंटे के जीवन में कैसे फैले ये जरूरी है। भक्ति योग क्या है और भगवान कृष्ण भक्ति के संबंध में क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वे प्रवर्तते, यानी मैं इस संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ और सब चीजें मेरे से ही पैदा होती है। इसलिए जो ज्ञानी जन हैं वे इस सत्य को जानते हैं और अपार श्रद्धा से वह मेरा भजन करते हैं। बस यही संदेश है उनका जिसके कारण भक्ति योग पैदा हो। अब इस संदेश के मर्म को समझने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि मूल स्रोत जो है सारे अस्तित्व का वह कृष्ण है, यानी इसमें मैं की कोई बात नहीं है, अहंकार की कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ प्रतीक है। किस चीज के? मूल स्रोत के, जिससे सब कुछ निकला है, प्रकट हुआ है। तो एक अदृश्य शक्ति है जो मूल स्रोत है इस संपूर्ण अस्तित्व का, और उस अदृश्य शक्ति के प्रतीक है कृष्ण। और वो अदृश्य शक्ति, जब आपको गहरी समझ हो जाए कि एक अदृश्य शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि में सक्रिय है और सब कुछ वो कर रही है, तब उस शक्ति के प्रति आपके प्राणों में श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तो पहला सूत्र उन्होंने दिया कि इस सत्य को जान लो कि एक अदृश्य शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई है, और उस सृष्टि से अगर एक होना है तो उसका एहसास करना, वो अदृश्य शक्ति, वो अदृश्य हाथ सर्वत्र सक्रिय है। अब कृष्ण के व्यक्तिवाची होने की बात यही खत्म हो जाती है, और उन्होंने कहा कि जिसको इस सत्य का पता चल जाता है वो मेरा स्मरण करता रहता है। तो इस बात का स्मरण आपको बना रहे सदैव कि एक अदृश्य शक्ति है जिससे जो कुछ हो रहा है, संपूर्ण सृष्टि, ये आपका होना, यहाँ आना, बोलना, सुनना, ये कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है, उसके हस्ताक्षर है, वही कर रही। तो एक शक्ति जो अदृश्य है उसका भजन, यानी उसका स्मरण करना, यानी 24 घंटे आपको इसका स्मरण बना रहे कि अदृश्य शक्ति कर रही, तो देखो मैं आपका विसर्जित होने लगेगा कि नहीं। अब हर चीज में आपको वो शक्ति दिखाई पड़े, हर चीज में आपको उस शक्ति का स्मरण होता रहे, हम भूल जाते हैं, और इसका स्मरण आपको निरंतर बना रहे तो आपके भीतर अहंकार का भाव विसर्जित होने लगता है। भाव प्रधान लोग हैं तो वो उस अदृश्य दैवीय शक्ति का स्मरण हमेशा बनाए रखे। अगर उसका स्मरण आप बनाए रखेंगे 24/7 तो आप इस भाव के साथ जीने लगेंगे, तो उस अदृश्य शक्ति के प्रति आपके प्राणों में श्रद्धा पैदा होगी और आपका अहंकार स्वतः विसर्जित होता जाएगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उपाय क्या है, कैसे ये भाव हमारे प्राणों में जगे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सिर्फ इतनी बात समझ लेने से आपका पूरा काम नहीं होगा, ये 24 घंटे के जीवन में कैसे फैले ये जरूरी है। इसका एक ही उपाय है अर्जुन, वह है अकर्म में जीना। भगवान कृष्ण ने कभी किसी तपश्चर्या की बात नहीं की पूरी गीता में, कभी किसी साधना की बात नहीं की पूरी गीता में, कोई सात शरीरों की साधना की चर्चा नहीं करते हैं, कोई शरीर के सातों चक्रों की साधना नहीं कराते हैं। भगवान कृष्ण सिर्फ इतना ही कहते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप परम आनंद का है और तुम उसे भूल गए हो। सिर्फ तुम उस मूल स्वरूप का, मूल स्रोत का स्मरण कर लो,
अब ये स्मरण कैसे आए? सारे उपनिषदों की पराकाष्ठा है गीता, और उसका सार है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस्मि। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में मैं ही फैला हूँ, मैं ही प्रकट हुआ हूँ, तो तुम में भी मैं ही प्रकट हुआ हूँ। यानी तुम्हारे रूप में भी मैं ही हूँ, लेकिन तुम इस सत्य को भूल गए हो। अब इस सत्य को तुम्हें याद करना है। ये तुम्हें स्मरण हो जाए कि मैं मूल रूप से परम आनंद हूँ, कृष्ण हूँ। जो तुम्हारा मूल स्वरूप है कृष्णत्व का, वो कैसे आएगा? सिर्फ स्मरण करना है। और ये स्मरण कैसे होगा? क्या कृष्ण कृष्ण कहने से स्मरण होगा? राम राम कहने से स्मरण होगा? स्मरण शब्द ही महत्वपूर्ण है। आत्मस्मरण यानी स्वयं के मूल स्वरूप का स्मरण। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कृष्ण ही हो, लेकिन तुम परम आनंद ही हो, लेकिन तुम भूल गए हो मूल स्वरूप को। ये जन्मों जन्मों से जो तुम जीवन जी रहे हो, इस जीवन की भागा दौड़ी में तुम जीवन के कामों में इतना उलझ गए कि अपना मूल स्वरूप भूल गए। अब जिस चीज को भूल गए हो उसे तुम्हें याद करना है। यही भक्ति का सार है।